अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। टलीचकी एडम्स कॉलोनी की रहने वाली एडवोकेट रईसा फातिमा के कत्ल में मुलविस 4 भाई और एक भाभी गिरफ्तार। सिलात के मुताबिक रईसा फातिमा के वालिद फकीर अली की 400 गज जमीन है, जिन्हें इनके वालिद ने इन भाइयों के साथ साथ इन बहनों को भी इन ज़मीन में हिस्सा देने का ऐलान किया था, लेकिन रईसा फातिमा के भाई इस बात से नाराज़ थे और इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे थे, जिसके चलते इनके बीच झगड़े भी चल रहे थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए चारों भाइयों अपनी भाभी के साथ 29 जुलाई को रईसा फातिमा के घर वाक़ एडम्स कॉलोनी पहुंचकर मनसूबाबंद तरीके से इनका बेरहमाना कत्ल अंजाम दे दिया। गोलकुंडा पुलिस ने इन चारों भाई मोहम्मद आरिफ अली, मोहम्मद रऊफ अली, मोहम्मद हसन अली अलियास मुजाहिद अली और मोहम्मद आसिफ अली के अलावा आरिफ की बीवी समीना बेगम को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। यानी 1 अगस्त को बोनालू पूजा महाकाली लाल दरवाजा में शुरू होगा लगभग 8 बजे सुबह, और 11-12 बजे के लगभग रश पीरियड ज्यादा होगा। उसके बाद 2 बजे रंगम शुरू होगा और जो शाम तक चलेगा, फिर पोतराजू आएंगे और उसके बाद एक्साइटमेंट होगा 11 बजे के बाद से। जो मेन प्रोसेशन है महाकाली टेम्पल में, जिसमें एलिफेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है लाल दरवाजा से, लगभग 2 बजे के लगभग तैयारी शुरू हो जाती है और ये नया पुल मुसी रिवर शाम को 6 बजे तक पहुंचेगा। इनका रास्ता जो है वो नागुल चिंता, शालीबंडा, आशा टॉकीज, बड़का झाड़, मुगलपुरा कमान, मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरघट्टी, मदीना और फाइनली घटम मुसी रिवर के पास जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी प्रोसेशंस हैं, जैसे कि गौलीगुड़ा से, चंदूलाल से, हरी बौली से, ये लोग सब ज्वाइन करेंगे मेन प्रोसेशन को नागुल चिंता के पास। हैदराबाद सिटी पुलिस हर साल की तरह पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हर फेस्टिवल में अपने तरफ से सर्विसेज देती है और इस बार लगभग 8,000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट पूरे शहर में है, जिसमें कि सभी सीनियर ऑफिसर्स राइट फ्रॉम कमिश्नर ऑफ पुलिस टिल ईच एंड एवरी होम गार्ड पब्लिक की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के लिए डिप्लॉयड रहेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.